Hello everyone, welcome to my channel. This is Priya Bhargav. Today we are going to do unit 1 physical changes, which is unit 1 of block 3 MPC 002 lifespan psychology. In this whole booklet, that means third block, we are going to read about development during adolescence. So in this chapter, in unit 1, we are going to study about the physical changes in adolescence. So let's start. अगर आप देखें तो ये adolescence का जो period है वो एक ऐसा phase है जहाँ पे बच्चे और adult होने के बीच की एक journey है, जिसमें बच्चा ना जो adolescent है वो ना तो चाइल्ड कैटेगरी में आता है ना ही एडल्ट कैटेगरी में आता है. सो उस ट्रांजिशन पीरियड को, हम इस पीरियड को जो चाइल्ड और एडल्ट के बीच का पीरियड है, उसको, उस ट्रांजिशन पीरियड को हम एडोलेसेंस के नाम से जानते हैं. ये जो पीरियड है वो 12 टू 19 इयर्स की एज ग्रुप का पीरियड होता है. सो इसको भी सब डिवाइड करें हम तो ये 3 कैटेगरीज में चला जाता है. अर्ली एडोलेसेंस जो 12 टू 14 ईयर्स का होता है, मिडिल एडोलेसेंस जो 14 टू 17 ईयर्स का होता है, और लेट एडोलेसेंस जो 17 टू 19 ईयर्स की एज का होता है. नाउ कमिंग टू द मेन टॉपिक, एडोलेसेंट डेवलपमेंट. सो जो एडोलेसेंस मैं पीछे बता चुकी हूँ वही इन्होंने यहाँ रिपीट किया है, तो आई वोंट गो इनटू दिस. बट हाँ, ट्रांजिशन पीरियड में क्या क्या होता है वो इन्होंने ज़रूर बताया है. जो ट्रांजिशन पीरियड मैंने बताया चाइल्ड और एडल्ट के बीच का, जिसे हम एडोलेसेंस कह रहे हैं, उसमें बायोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, साइकोलॉजिकल एंड सोशल चेंजेस इन बच्चों में आते हैं. जो बायोलॉजिकल चेंजेस है उसे प्यूबर्टल चेंज भी कहते हैं. नाउ कमिंग टू फर्स्ट स्टेज, इफ यू सी देयर इज अ स्टार मार्क, दैट मीन्स इट हैज़ कम इन द एग्जामिनेशन, प्रीवियस एग्जामिनेशन. सो अर्ली एडोलेसेंस जो है वो 12 टू 14 ईयर्स की एज का होता है. ये कॉन्ट्राडिक्टरी फेज माना जाता है, जिसमें बच्चा कन्फ्यूज होता है कि वो क्या है, बच्चा है कि बड़ा है, क्या है. सो ये मैच्योर नहीं होते उस टाइम पे, और ना ही वो बच्चे होते हैं. सो ये कन्फ्यूजिंग स्टेज है. इसमें बच्चा इतना ग्रो हो गया होता है कि वो इंडिपेंडेंट रह सकता है, उसे पेरेंट्स की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती अपने पर्सनल काम करने के लिए, इनफैक्ट बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती. और ये फ्रीडम चाहता है पेरेंट्स से कि वो उसको ज़्यादा रोक टोक ना करें. और इनमें काफ़ी फिजिकल चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से ये थोड़े इरिटेशन भी फील करते हैं. कई बार होता है कि इनको इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी आने लगता है, क्योंकि इनमें फिजिकल चेंजेस वेरी करता है. कुछ लोग जल्दी फिजिकली ग्रो कर जाते हैं, कुछ देर में करते हैं. एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में इनमें ग्रोथ दिखाई देती है, और ये टाइम पीरियड सबका अलग अलग इसीलिए होता है क्योंकि ये जीन्स पे डिपेंड करता है और एनवायरमेंट में डिपेंड करता है, उनकी डाइट पे डिपेंड करता है. सो जिनमें ज़्यादा नहीं चेंजेस आते वो इन्फीरियर भी फील करते हैं दूसरों के कंपैरिजन में. और कईयों को डर रहता है कि कहीं वो छोटे तो नहीं रह जाएंगे कहीं उन, और इस वजह से वो अपने जब बाकी साथियों को बढ़ता हुआ देखते हैं तो उनमें बहुत ज़्यादा टेंशन भी क्रिएट हो जाता है, उनमें कन्फ्यूजन रहता है, बहुत ज़्यादा हेसिटेंट फील करते हैं, और वो हमेशा ये सोचने में लग जाते हैं कि वो हैं कौन, रियल आइडेंटिटी क्या है उनकी. ये बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है क्योंकि इसमें साइकोलॉजी के बेसिस पे इन्होंने बहुत चीज़ें डिस्क्राइब की हैं, तो यू मस्ट रीड दिस पैराग्राफ वंस अगेन. अगर हम देखें तो इनमें बहुत सारे फिजिकल चेंजेस हमें दिखाई देंगे जो एडल्ट्स में होते हैं. ये मेंटली तो बचपना होता है इनमें, लेकिन फिजिकली ये एडल्ट जैसे दिखना शुरू हो जाते हैं. और जो बड़े होते हैं पेरेंट्स और एल्डर्स जो होते हैं, ये इन बच्चों पर ये चीज़ें नोटिस कर सकते हैं. और अगर आप देखें अगेन कि इनमें ये इनमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, एक दूसरे से कम्पीट करने लगते हैं. और जो फ्रेंडशिप की इनोसेंस होती है जो छोटे बच्चों में देखी जाती है, वो इनमें ख़त्म होने लगती है और अलग टाइप की फैंटेसीज़ शुरू हो जाती हैं. फैंटेसी वर्ल्ड में जीने लगते हैं, जिसमें अट्रैक्शन टूवर्ड्स अपोजिट सेक्स इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट.
अगेन मिडिल एडोलेसेंस में देखें तो ये एज पीरियड है 14 टू 17 इयर्स, ये इस एज ग्रुप में बहुत ज़्यादा हमें चेंजेस नज़र आएंगे इनके फिजिकल, मेंटल, कॉग्निटिव एंड सेक्सुअल चेंजेस इनमें नज़र आएंगे। गर्ल्स पहले प्यूबर्टल स्टेज को क्रॉस कर गई होती हैं, बॉयज़ में थोड़ा लेट आता है। ये जो लाइफ पीरियड है ये अपने बॉडी और अपेरेंस के लिए बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड रहते हैं इस 14 टू 17 इयर्स की एज में, और ज़्यादातर टाइम ये अपनी पर्सनैलिटी पे स्पेंड करते हैं, अपने आप को और ज़्यादा सुंदर दिखने की कोशिश करते हैं, और इनके खुद के अपने पर्सनल ओपिनियन एंड पर्सनैलिटी डेवलप होना शुरू हो गई होती है। ये अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं, जैसे मैंने बताया कॉम्पिटिटिवनेस इनमें बढ़ जाती है मिडिल एज ग्रुप में, और ये बहुत सारे चेंजेस नोटिस करते हैं खुद में, और इनमें डायरीज एंड जर्नल लिखने में बहुत ज़्यादा ये इंटरेस्ट लेते हैं, अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करने में, अपने गोल्स ये सेट करने लगते हैं। इनके बहुत ज़्यादा हाई गोल होते हैं ये लोग, जिसे अगर वो अचीव नहीं कर पाते हैं तो इन्हें बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन, डिसअपॉइंटमेंट फील होते हैं। कभी कभी ये विड्रॉल एटीट्यूड भी शो करते हैं कि पीछे हट जाना, अपना कॉन्फिडेंस लूज कर देना, और सबसे डिस्कनेक्ट हो जाना, पेरेंट्स से डिस्कनेक्ट हो जाना। सो ये इनके कैरेक्टरिस्टिक होते हैं इस एज में स्पेशली, और इनकी डिपेंडेंसी पेरेंट्स पे ज़रूर ये कम करने की कोशिश करते हैं। इन्हें आज़ादी चाहिए होती है, फ्रीडम चाहिए होती है, ये खुद का डिसीजन लेना चाहते हैं। नाउ कमिंग टू लेट एडोलेसेंस, जो 17 टू 19 ईयर्स की एज ग्रुप है, ये ज़्यादा अपने एज ग्रुप के लोगों से बनाना चाहते हैं दोस्ती, और यंगस्टर्स होते हैं ये ज़्यादातर, तो ये अपनी खुद की आइडेंटिटी एक बन गई होती है इनकी। ये बहुत स्टेबल हो गए होते हैं अपने इंटरेस्ट को लेकर, इमोशनल स्टेबिलिटी भी अटेन कर गए होते हैं, सेंस ऑफ ह्यूमर इनमें डेवलप हो गया होते हैं, और अगर इनकी कोई इच्छाएं हैं तो ये एकदम से परेशान नहीं होते उसको लेकर, ये थोड़े से पेशेंट होने लगते हैं, थोड़ा सा इनमें ठहराव आ गया होता है, और इनका जो आइडिया है सोचने का वो भी बढ़ता जाता है। अगेन आप देखें तो ये अपनी चीज़ें, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना शुरू कर गए होते हैं, ये कॉम्प्रोमाइज़ करने में बिलीव करते हैं और इंडिपेंडेंट डिसीजंस भी लेने लगते हैं। लेट एडोलेसेंस जो होती है ये बहुत ग्रेट कंसर्न का पीरियड है, जो दूसरों के लिए कंसर्न शो करते हैं, और ये बहुत सेल्फ रिलायंट हो गए होते हैं, इनको अपने काम पर बहुत प्राइड फील होता है, और ये अपने थॉट्स को जो है फाइनलाइज करना शुरू कर देते हैं कि इनको अपनी लाइफ में आगे क्या करना है, इनकी लाइफ कैसी होगी और इनका फ्यूचर कैसा होगा। नाउ कमिंग टू दिस टेबल, अगर आप इस टेबल को देखें तो ये जो टेबल है इसमें हमें एजेस दी हुई हैं यहाँ पे, और यहाँ बॉयज़ एंड गर्ल्स दिए हुए हैं, बॉयज़ की हाइट कितनी होगी 12 ईयर्स की एज पे और इनका वेट कितना होना चाहिए, ऐसे करके इन्होंने सब गर्ल्स का भी दिया हुआ है, गर्ल्स की हाइट कितनी होनी चाहिए और एज कितनी होनी, वेट कितना होना चाहिए इस पर्टिकुलर एज में, इस तरह से इन्होंने हर एक एज ग्रुप का बताया हुआ है। नाउ कमिंग टू फिजिकल डेवलपमेंट, इनमें फिजिकल चेंज क्या क्या आते हैं, जो नॉर्मल ग्रोथ होती है एडोलेसेंस की वो इनकी दोनों चीज़ों में होती है, एक तो बॉडी साइज में होती है और दूसरा सेक्सुअल मैच्योरेशन होता है यानी कि प्यूबर्टी, जो इनका टाइमिंग और जो स्पीड होता है चेंजेस का वो वेरी करता है, और ये डिपेंड करता है जैसे मैंने पहले बताया एनवायरमेंट और हेरिडिटी पे डिपेंड करता है। एडोलेसेंस जो होते हैं ये वो टाइम है जिसमें ग्रोथ स्पर्ट दिखाई देगा, मतलब एक टाइम पीरियड कुछ महीनों तक तो ये इनमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ आएगी और कुछ महीनों में इनकी ग्रोथ बहुत स्लो हो जाएगी। आगे अगर हम देखें तो इनमें और भी सेक्सुअल मैच्योरेशन तो होगा, फिजिकल मैच्योरेशन भी होगा, और इसके लिए हॉर्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो इनमें चेंजेस आते हैं, स्पेशली पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे ब्रेन में एक छोटा सा ग्लैंड है जो रिस्पॉन्सिबल होता है बाकी चीज़ों के फंक्शन के लिए, तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जिसे FSH कहते हैं, इस हार्मोन को सिक्रीट करता है, और यही हार्मोन जो होता है आगे जाके बाकी हार्मोन्स पे एक्ट करता है डिपेंडिंग अपॉन द सेक्स ऑफ द पर्सन। लाइक अगर फीमेल है तो वो FSH एस्ट्रोजन सिक्रीट करवाएगा, एस्ट्रोजन जो होता है वो ओवरीज को एक्टिवेट कर देता है, FSH जो होगा वो ओवरीज को एक्टिवेट करेगा और ओवरीज जो है वो एस्ट्रोजन निकालना शुरू कर देंगी। जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है ये बाकी डेवलपमेंट में रिस्पॉन्सिबल होता है जो फीमेल बॉडी में होता है। अगेन मेल्स की अगर बात करें तो मेल्स में जब पिट्यूटरी ग्लैंड FSH रिलीज करता है तो वो स्पर्म का रिलीज डेवलपमेंट कॉज करता है टेस्टिस में।
अगर हम आगे देखें तो इन्होंने एडोलेसेंट मेल और एडोलेसेंट फीमेल में क्या क्या चेंजेस आते हैं फिजिकली, वो इन्होंने बताया है। तो बॉयज़ में हाइट के बारे में बताया, 4 to 12 inches, प्यूबर्टी की एज बताई है 9.5 से लेकर 14 ईयर्स, देन फर्स्ट प्यूबर्टल चेंज होगा यानी कि एनलार्जमेंट ऑफ टेस्टिकल्स यानी कि सेक्स ऑर्गेन, उसकी एनलार्जमेंट दिखाई देगी और पेनिस का एनलार्जमेंट बताया है इन्होंने। अगेन अपेरेंस ऑफ प्यूबिक हेयर बताया, 13.5 ईयर्स की एज में आएगा हेयर, जो हेयर कहाँ कहाँ डेवलप हो जाएंगे, इनके आर्म्स में फेस वॉइस चेंज हो जाएगी, एक्ने आना शुरू हो जाएगा 15 इयर्स की एज में, नॉक्टर्नल इमिशंस यानी वेट ड्रीम्स के बारे में इन्होंने पैराग्राफ दिया है आगे, वो 14 इयर्स की एज में हो जाएगा। बॉयज में जो होता है वो डिफिकल्ट होता है जब वो प्यूबर्टी में पहुंचते हैं वो पीरियड, और ये चेंजेस जो अकर होते हैं वो धीरे धीरे आते हैं इनकी टाइम पे, बहुत एकदम से चेंज नहीं आता है। तो जो इन्होंने हर एक चीज़ बड़ी डिटेल में बताई है तो मैं थोड़ा शॉर्टकट में करूँगी क्योंकि आप ये चीज़ें ऑटोमेटिकली जानते हैं। सो लेकिन ये जो चीज़ें बताई हैं इन्होंने, ये पढ़ना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि मेनली काउंसलर्स स्कूल में होते हैं और वो इसी एज ग्रुप के बच्चों को डील करते हैं, और जब इस एज के बच्चों को डील करते हैं तो हमें ये चीज़ें पहले से पता होनी चाहिए। तो वन शुड नॉट फील ऑफेंडेड इफ आई एम यूजिंग सम पिक्यूलियर वर्ड्स विच आर नॉट एथिकली करेक्ट इन अवर इंडियन कल्चर। सो अगर हमारे भारत देश की समाज में कुछ शब्दों का यूज करना अच्छा नहीं माना जाता या थोड़ा सा ऑकवर्ड फील होता है तो उसके लिए हमें थोड़ा सा पॉजिटिव रहना होगा क्योंकि वी आर लर्निंग थ्रू दिस चैप्टर। सो इसको नेगेटिवली ना लेके आप लर्निंग के तरीके से लें अगर मैं कुछ ऐसे वर्ड यूज़ करती हूँ जो आपको थोड़ा सा ऑफेंसिव लगे, सो आई वुड अपोलोजाइज फॉर दैट। फर्दर ये चेंजेस हमें पढ़ना इसलिए ज़रूरी है बिकॉज वी वुड बी काउंसलर्स एंड वी हैव टू डील विद सच स्टूडेंट्स और एडोलेसेंट्स इन फ्यूचर, और ये ऐसी चीज़ है जो बहुत बॉदर करती है बच्चों को और बच्चे किसी से शेयर नहीं कर पाते, और हमें ये टेक्निक्स लर्न करनी होगी कि हमें क्या शब्द यूज़ करने हैं उनसे जब हम डील करते हैं और किस तरह से उनकी बात को बिना बोले हमें समझना होगा। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो ईच एंड एवरीथिंग रिगार्डिंग दीज थिंग्स। सो अगर हम देखें तो इनकी बॉडी के बारे में बात की जा रही है कि बॉयज़ में क्या क्या चेंजेस आते हैं, जैसे इनका बॉडी साइज इंक्रीज हो जाता है, फीट, आर्म्स, लेग्स, हैंड्स ये ग्रो होने शुरू हो जाते हैं बहुत तेज़ी से, और एडोलेसेंट बॉयज़ जो होते हैं उनको क्लम्जीनेस फील होती है क्योंकि बहुत लंबे चौड़े हो गए होते हैं। बॉयज़ में अगर देखें तो इनके ब्रेस्ट एरिया में भी स्वेलिंग दिखाई देने लगती है हार्मोनल चेंजेस के बारे के वजह से, और ये टेम्परेरी कंडीशन है जो चली जाएगी। इनके वॉइस क्रैक होनी शुरू हो जाती है क्योंकि इनके लैरिंग्स में कुछ मसल डिपोजिशन होता है, टेम्परेरी कंडीशन है, अगेन ये क्रैकिंग वो चेंज हो जाएगी, बदल जाएगी, अपने आप ठीक हो जाएगी। और फिर जेनाइटल एरिया में हेयर होंगे, इनके फेस पे, अंडर आर्म्स, लेग्स, इनमें हेयर आने शुरू हो जाएंगे, हॉर्मोन्स जो होते हैं प्यूबर्टी को इंक्रीज करने के लिए होते हैं, और एडोलेसेंस जो होते हैं वो एक्सपीरियंस करेंगे अपने स्किन में और स्वेटिंग में और स्वेट की स्मेल में चेंज आना शुरू हो जाएगा, और इनके फेस में भी चेंज आएगा, एक्ने दिखाई देने लगेंगे, इनके जो जेनाइटल एरियाज हैं उनमें चेंजेस आने शुरू होंगे, इरेक्शन दे विल फील, और फैंटेसीज और ये सब सेक्सुअल अराउजल्स इनको फील होगा जिसकी वजह से ये अनईजी फील करेंगे। वेट ड्रीम के बारे में बात किया है यानी कि सिक्रीशंस, जो जेनाइटल एरिया है वहां से सिक्रीशंस होंगे, कुछ सोते सोते भी हो सकते हैं और इसकी वजह से बेड वेट हो जाता है, और जो बहुत ज्यादा एम्बरेसिंग फील करते हैं ये बॉयज, जो फ्लूइड सिक्रीशन होता है उसको हम बोलते हैं इजैक्यूलेशन हो जाता है, एंड ये कभी कभी एक्सीडेंटल होता है, ये अननोइंगली भी हो जाता है, सो जिस जो बहुत ज्यादा बॉदर करता है मेल्स को। सो दिस इज अगेन टेम्परेरी, सब व्हेन दे ग्रो ओल्डर इट डिसअपीयर्स। फीमेल की बात करें तो इनकी हाइट की बात करी जा रही है, 2 to 10 inches बढ़ जाती है, इनकी प्यूबर्टी जो होती है वो 8 to 13 years की एज में होती है, फर्स्ट प्यूबर्टल चेंज जो होता है वो ब्रेस्ट डेवलपमेंट इनकी बॉडी में दिखाई देता है, और प्यूबिक हेयर अगेन दिखाई देंगे, इनकी ब्रेस्ट डेवलपमेंट होगा प्यूबिक हेयर के डेवलपमेंट के बाद, अगेन हेयर जो होते हैं अंडर आर्म्स दिखाई देंगे 12 ईयर्स में, मेंस्ट्रुअल पीरियड 10 to 16.5 ईयर्स में स्टार्ट हो जाता है। गर्ल्स जो होती हैं इनमें ये एक्सपीरियंस करती हैं चेंजेस इनकी बॉडी में बॉयज़ के कंपैरिजन में बहुत पहले,
अगर हेयर ग्रोथ की बात करें तो प्यूबिक रीजन, अंडर आर्म्स, लेग्स, इनमें हेयर नज़र आएगा। बॉडी, फीमेल की बॉडी शेप में चेंज आना शुरू हो जाता है इनका। अगर आप देखें तो हिप रीजन वाइडर हो जाता है, वेस्ट इनकी थोड़ी थिन होने लगती है, बटक्स लार्ज हो जाते हैं, फैट डिपोजिशन होता है लेग्स एंड स्टमक में, थोड़ी फैटियर नज़र आने लगती हैं गर्ल्स। उनमें ऑलमोस्ट फीमेल, जो मैच्योर एडल्ट फीमेल होता है उसके जैसा बॉडी अपेयरेंस शुरू हो जाता है इनका। अगेन जो एडोलेसेंट गर्ल्स होती हैं वो भी क्लमजी फील करने लगती हैं इस टाइम पे। इनकी ऑयली स्किन हो जाती है, स्वेटिंग वगैरह होती है। ये जो मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुअल पीरियड शुरू हो गया होता है जिसमें बॉडी एग रिलीज करने लगती है ओवरीज से, जो अगर फर्टिलाइज हो जाता है तो बेबी डेवलप होता है यूट्रस में, और अगर फर्टिलाइज नहीं होता है तो एंडोमेट्रियल लाइनिंग जो यूट्रस में होती है, यूट्रस में जो ब्लड वेसल्स होती है उन्हें एंडोमेट्रियल लाइनिंग कहते हैं। ये जो ब्लड वेसल्स होती हैं रप्चर हो जाती हैं एंड कुछ सिक्रीशंस के साथ ब्लड फ्लो होता है जो मेंस्ट्रुअल फ्लो कहलाया जाता है। अगेन कमिंग टू प्यूबर्टी, इट हैज़ गॉट स्टार, दैट मीन्स दिस सेक्शन इज डैम इम्पॉर्टेंट एंड यू मस्ट रीड इट प्रॉपरली। प्यूबर्टी की बात करें तो प्यूबर्टी वो स्टेज है लाइफ साइकिल की जब बॉडी बायोलॉजिकली एंड सेक्सुअली मैच्योर होती है। प्यूबर्टी जब आती है तो ये एक 1 से लेकर 3 ईयर्स का प्रोसेस है जिसमें हॉर्मोनल एंड फिजिकल चेंजेस आपको दिखाई देते हैं बॉडी में, और ये सेक्सुअल मैच्योरिटी अप्रोच करने का एक टाइम है। जो गर्ल्स हैं वो ये एक ईयर बॉयज के कंपैरिजन में 1 ईयर पहले पहुंच गई होती हैं इस प्यूबर्टी में, और जब ये एंट्री होती है एडोलेसेंस में तो ये पीरियड भी बहुत ज़्यादा चेंजेस का होता है। बॉडी में तो चेंज आते ही हैं, साथ में इमोशंस, एटीट्यूड, वैल्यूज़ एंड इंटेलेक्ट और रिलेशनशिप्स में भी चेंजेस आते हैं। प्यूबर्टी जो होती है हर एक इंडिविजुअल गर्ल्स बॉयज दोनों में आती है। गर्ल्स की जो 9 से 10 साल की उम्र में दिखाई देगी तो बॉयज़ की 12 से 13 साल की उम्र में नजर आएगी। अगर हम प्यूबर्टी की अगेन बात करें तो ये टर्बुलेंस का और ट्रायल का पीरियड होता है जो बच्चों में बहुत सारे चेंजेस करते हैं। इनके मूड स्विंग आते हैं, सेक्स ड्राइव्स आ जाती हैं, रिलेशनशिप के लिए ये तैयार होते हैं, और अपोजिट जेंडर के साथ रिलेशनशिप, ये फ्रेंडशिप नहीं होती, कुछ अपोजिट जेंडर के साथ रिलेशनशिप की इंटेंशंस होने लगती हैं। फेस में डिफरेंट चेंजेस आते हैं और स्कूल और होम से बहुत ज़्यादा इनमें प्रेशर होता है। अगेन फर्दर इफ़ वी विल मूव, तो इन्होंने एडोलेसेंट मेल्स में जो चेंजेस आते हैं उन्होंने 1 by 1 बताया है। ये बहुत ज़्यादा डिटेलिंग है, सो आई वुड डू इट इन शॉर्ट सिंस इट इज़ रिक्वायर्ड दैट यू शुड रीड इट प्रॉपरली, क्योंकि इस वीडियो को मैं बड़ा नहीं करना चाहती। मैं सिंपली एक इंट्रो देना चाहती हूँ इस चैप्टर का कि इसमें क्या क्या है, आपको क्या क्या पता होना चाहिए, बट इफ़ यू वॉन्ट डिटेल्स देन यू नीड टू रीड इट। सो इसमें पेनिस के बारे में बताया, पेनिस का स्ट्रक्चर के बारे में इन्होंने डिटेलिंग बताई है, और इसका फंक्शन क्या है इन्होंने ये बताया है इसमें, और किस तरह से ये बॉडी में रहता है, इसकी पोजिशन, पोजिशनिंग कैसी होती है ये, और ये इसका यूसेज क्या है। अगेन अगर हम फोर स्किन की बात करें तो दिस इज़ अ स्किन ओवर दी पेनिस एरिया एंड हाउ इट डेवलप्स, और किस एज तक ये पूरा डेवलप हो जाती है, लाइक 18 ईयर्स की एज में ये डेवलप हो गई होती है जिसमें रिट्रैक्टेबल हो गया होता है ये। फिर स्मैग्मा करके एक वैक्सी वाइट सब्सटेंस की बात की है जो ये डिपॉजिट हो जाता है, जिसको क्लीन करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज इट विल कॉज डिजीजेज एंड इन्फेक्शंस। अगेन हम अगर टेस्टिकल्स की बात करें तो ये टेस्टिकल्स ये सैक टाइप होते हैं और ये स्क्रॉटम एरिया में होते हैं। अगेन ये इसी के ही अंदर, इन स्क्रॉटम्स में ही स्पर्म्स डेवलप होते हैं इन्होंने बताया, और ये जो स्पर्म्स हैं एक फ्लूइड में फ्लो करते हैं जिसको हम सीमन के नाम से जानते हैं। जो ये इसका जो टेम्परेचर होता है स्क्रॉटम का, ये बॉडी के टेम्परेचर से कम होता है, और ये दोनों जो पोजीशंस होते हैं टेस्टिकल्स की वो थोड़ा ऊपर नीचे होती है, सो दैट इन प्लेइंग एंड वॉकिंग रनिंग में ये इंटरफेरेंस ना करे, क्योंकि ये थाई रीजन के एरिया में होती है। अगेन इन्होंने यूरेथ्रा के बारे में बात की है, जो पेनिस में ही एक ओपनिंग होती है जिससे यूरिन पास आउट होती है, तो सेम सिंगल ओपनिंग से दोनों चीज़ें, सीमन और यूरिन, दोनों रिलीज होते हैं। इरेक्शन की बात करें तो इरेक्शन, अगेन ये इरेक्शन इसीलिए होता है क्योंकि अगर
पेनिस में ब्लड का सिक्रीशन बढ़ जाता है तो इसका इरेक्शन होना शुरू हो जाता है। इसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, फिजिकल, साइकोलॉजिकल एंड सेंशुअल रीजंस। तो इसके बारे में इन्होंने डीप दिया है। और जो अनरिलायबल भी होते हैं ये, कभी कभी विदाउट वार्निंग भी इरेक्शंस हो जाते हैं, जो बहुत एम्बरासिंग होते हैं बॉयज़ के लिए। सो बट दे हैव टू एक्सेप्ट द फैक्ट्स दैट इट इज़ फॉर the progeny for further continuation of the species. So these changes should be accepted with grace rather than crying and getting demotivated for what is happening with their bodies. अगेन ejaculation जो पहले हम कवर कर चुके हैं, ये secretion है जो बॉडी से निकलता है और ये इंटेंस फीलिंग्स की वजह से होता है। अगेन इन्होंने बताया कि जब ejaculation होता है, यानी कि जो secretion बॉडी से निकलता है, तो उसमें 300 मिलियन स्पर्म्स होते हैं एक बार में secretion में, और ये 3 से लेके 15 बार हो सकता है वन गो में रुक रुक के। सो दिस इज वट हैपन्स वाइल इंटरकोर्स। अगेन इन्होंने यहाँ पे बताया है कि चाइल्ड जो होता है जब डेवलप हो रहा, चाइल्ड की जब डेवलपमेंट, एक्चुअली एडोलेसेंस की जब डेवलपमेंट हो रही होती है, तो ये टेस्टोस्टेरोन इज़ द हार्मोन विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दी ग्रोथ विच इज़ हैपनिंग इन देयर बॉडीज। अगेन जो ग्लैंड्स होते हैं उनमें डेवलपमेंट होता है, हार्मोन्स जो होते हैं वो इसको कंट्रोल करते हैं, जो भी डेवलपमेंट प्यूबर्टी में हो रहा होता है। और ब्रेन में पिट्यूटरी के बारे में ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, पिट्यूटरी जो होता है वो FSH सिक्रीट करता है। FSH जो होता है वो मेल हार्मोन यानी टेस्टोस्टेरोन को सिक्रीट करता है, और जब टेस्टोस्टेरोन जो होता है वो बाकी डेवलपमेंट्स को हैंडल करता है। जेनाइटल्स के बारे में बात किया है कि कैसे कैसे इनमें चेंजेस आते हैं, स्किन डार्क हो जाती है, पोजिशन, शेप, ये सब चेंजेस आते हैं, वो इन्होंने बताया है किसकी सेज में कैसे कैसे आते हैं। वेट ड्रीमिंग वही है जो मैंने इजैक्यूलेशन के बारे में बात की थी, वही वेट ड्रीमिंग के बारे में बात कर रहे हैं कि ejaculation होता है तो वो सारा जो वेटिंग होती है, secretions बाहर आते हैं बॉडी से, तो that is what wet dreaming is all about and it happens when there is some arousal, psychological arousal और कुछ और thought process की वजह से। growth spurt की बात करें तो growth spurt है जो इनकी height में change आना, body में changes आना, क्या कहाँ कहाँ हेयर ग्रोथ होती है और मसल ग्रोथ होना, वॉइस का क्रैक होना, ये सारी चीज़ें हम पहले पढ़ चुके हैं अभी थोड़ी देर पहले, उसी के बारे में इन्होंने वापस रिपीटिशन किया है। आपको जब आप तैयारी करें तो आपको ये हेडिंग्स याद होनी चाहिए कि आपको जब प्यूबर्टी मेल्स में लिखेंगे तो आपको किस किस हेडिंग के अंदर क्या क्या लिखना है। इट इज़ नॉट नेसेसरी टू राइट होल ऑफ द पैराग्राफ और होल ऑफ द पेज, इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर फॉर विच दे आर आस्किंग फॉर, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो 10 मार्कर होते हैं, 6 मार्कर होते हैं एंड 3 मार्कर होते हैं, तो किस मार्कर में आ रहे हैं ये क्वेश्चंस वो मैटर करता है। अगेन यू नीड नॉट टू राइट ईच एंड एवरी डिटेल ऑन दिस, बट यू शुड नो एवरीथिंग सिंस इफ यू विल प्रैक्टिस देन इट विल गोइंग टू हेल्प यू। बॉडी ओडर की बात करें तो इनके स्वेट ग्लैंड जो होता है वो बहुत एक्टिव होता है इस टाइम पे, और इस वजह से इनसे अनप्लीसेंट स्मेल आती है बॉयज गर्ल्स दोनों से। पिंपल्स की बात कर रहे हैं, हमारे बॉडी में जो ऑयल ग्लैंड होता है उसको हम सेबेशियस ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं, ये ऑयल सिक्रीट करता है, और जब ये ऑयल हमारी स्किन के पोर्स को ब्लॉक कर देता है और उसमें बैक्टीरिया जमा हो जाता है तो हमें पिंपल्स होते हैं, यानी कि इट इज़ वेरी नेसेसरी टू वॉश देयर फेसेस रेगुलरली। सेक्सुअल फीलिंग्स, अगेन जो फैंटसीज होती है वो उनकी दूसरी तरीके की हो गई होती हैं जब वो एडोलेसेंस को अचीव करते हैं, दिस इज़ अगेन अ नेचुरल प्रोसेस बिकॉज देयर आर हार्मोन्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दीज चेंजेस एंड थॉट प्रोसेस, सो दे नीड नॉट टू वरी और थिंक अबाउट दैट समथिंग इज हैपनिंग रॉन्ग विद देम। अगेन कमिंग टू एडोलेसेंट फीमेल्स, जो ये फीमेल्स में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, कुछ विजिबल होते हैं कुछ इनविजिबल होते हैं। ओवरीज की बात करें तो फीमेल की बॉडी में 2 ओवरीज होती हैं जो ऑलमंड की शेप की होती हैं और साइज की होती हैं, यानी जो बादाम खाते हैं हम, बादाम की साइज की ओवरीज होती हैं और उसके एग्स सोचे कितने छोटे होते होंगे। तो ये जब गर्ल बॉर्न होती है तो ये बहुत फ्रोजन स्टेट में होते हैं, यानी एग्स धीरे धीरे जैसे प्यूबर्टी अचीव होती है तो ये मैच्योर होते हैं, और एवरी मंथ एक एक हर एक ओवरी से एक एक निकलता है, यानी कि अगर लेफ्ट ओवरी से इस मंथ निकला है तो राइट ओवरी से नेक्स्ट मंथ निकलेगा, लाइक दैट ऑल्टरनेटिवली एग्स रिलीज होते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड इज रिस्पॉन्सिबल, पिट्यूटरी ग्लैंड FSH सिक्रीट करता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एंड FSH
जो है वो एस्ट्रोजन सिक्रीट करता है. एस्ट्रोजन रिस्पॉन्सिबल होता है ओवरीज को मैच्योर करने के लिए. अगेन यूट्रस की बात करें तो यूट्रस एक जिसको वोम्ब के नाम से भी जानते हैं, जहाँ पे बेबी का डेवलपमेंट होता है, अनबॉर्न चाइल्ड वहाँ पे डेवलप होता है इफ़ देर इज़ अ फर्टिलाइजेशन. और ये पियर शेप का होता है, उल्टे पियर शेप का, यानी पियर जो होता है उसको आप उल्टा रख दे तो जिस तरह की शेप आती है उस तरह का होता है. अगेन यूट्रस की जो ओपनिंग होती है वो सर्विक्स में होती है, जो विजाइना के अपर एंड में होता है. फेलोपियन ट्यूब की बात की है, फेलोपियन ट्यूब जो होती हैं वो इस तरह की ट्यूब होती हैं जो जिस जैसे शहनाई होती है उस शेप की होती है, जो दोनों ओवरीज को यूट्रस से कनेक्ट करती है. यूट्रस अगर मिडल में है तो दोनों ओवरीज दो साइड होंगी और बीच में यूट्रस होगा और इनको कनेक्ट करने वाली ये फेलोपियन ट्यूब होगा, जिसे ओविडक्ट के नाम से भी जानते हैं फेलोपियन ट्यूब को, या यूट्राइन ट्यूब के नाम से भी जानते हैं. ये इन्हीं ट्यूब की हेल्प से एग्स रिलीज होते हैं. अगेन अगर हम बात करें तो विजाइना इज़ अ ओपनिंग थ्रू विच इंटरकोर्स हैपन. अच्छा, अगर हम देखें तो ये विजाइना में तीन ओपनिंग होती हैं. तीन ओपनिंग कौन कौन सी होती हैं? एक यूरिनरी ओपनिंग होती है, विजाइनल ओपनिंग होती है, एंड एनस. ये थ्री ओपनिंग्स होती हैं जो जेनाइटल एरिया में फीमेल की बॉडी में नजर आएंगी. फिर उन्होंने बताया है कि कौन कौन से एरिया से कहाँ कहाँ यूरिनरी ओपनिंग जो होती है वहाँ से यूरिन का पैसेज होता है. मेल्स में पेनिस ही एक एरिया है जहाँ से दोनों चीज़ें होती हैं, सीमन भी बाहर आता है एंड यूरिन भी आती है, लेकिन फीमेल्स में सारी ओपनिंग्स अलग अलग है. विजाइनल ओपनिंग जो होती है इस यहाँ से विजाइनल ओपनिंग से मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है और बेबी भी वहीं से बाहर आता है, एंड देन सेक्सुअल इंटरकोर्स भी उसी एरिया से होता है, एंड मेल स्पर्म्स भी फेलोपियन ट्यूब में इसी के थ्रू पहुँचते हैं. एनस इज अगेन एन ओपनिंग थ्रू विच फीकल मैटर कम्स आउट थ्रू द बॉडी. बॉडी से बाहर फीकल मैटर आता है. फीकल मैटर इज अनडाइजेस्टेड फूड. एक्सटर्नल जेनाइटल स्ट्रक्चर कैसा होता है इन्होंने उसके भी डिटेल दिया है. अगेन फीमेल की बॉडी में एक हाइमन नाम की एक लेयर होती है, पोरस लेयर होती है, जो जो विजाइना है उसके माउथ को कवर करके रखती है, बंद करके रखती है एज अ वॉल. सो ड्यूरिंग फर्स्ट पेनिट्रेशन ये टूट जाती है, फट जाती है. सो इट इज़ एन इंडिकेशन ऑफ द वर्जिनिटी ऑफ ए फीमेल. अगेन कमिंग फॉरवर्ड, तो विजिबल चेंजेस वो तो थे इनविजिबल जो मैंने अभी ऊपर पढ़ाए हैं, अब जो है वो विजिबल चेंजेस है जो फीमेल की बॉडी में आपको नजर आएगा. ग्रोथ स्पर्ट, इनकी ग्रोथ हाइट जो होती है 10 to 11 years में गर्ल्स में बढ़ जाती है और ये स्टॉप हो जाती है 16 to 18 years की एज में. ब्रेस्ट डेवलपमेंट इनमें शुरू हो जाता है जो विजिबल होता है क्वाइट. हेयर ग्रोथ इनमें होने शुरू हो जाती है जो प्यूबिक रीजन के अलावा अंडर आर्म्स एंड अपर लिप्स लेग्स इनमें दिखाई देती है. बॉडी ओडर की बात करें तो सेम इज लाइक मेल्स, इनके स्वेट में स्मेल आना शुरू हो जाती है अलग, जिसको दे कैन टेक केयर ऑफ. पिंपल्स अगेन हमने पढ़ लिया था, मेल्स में भी वही सेम है. सेबेशियस ग्लैंड्स वगैरह जो ऑयल ग्लैंड होते हैं वो रिलीज करते हैं ऑयल को, जिसे हम सीबम भी कहते हैं. जो सीबम होता है वो ब्लॉक कर देता है पोर को एंड पिंपल कॉज करता है. सेक्सुअल फीलिंग सेम एज दैट ऑफ द बॉयज, इनकी फैंटेसीज होती हैं जो अपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्शन का एक सिंबल होती है. सो फ्रेंड्स, दिस वॉज द चैप्टर फर्स्ट यूनिट एंड इट वॉज ऑल अबाउट फिजिकल चेंजेस इन एडोलेसेंस. I hope you got some framework of this chapter and go through this chapter once, since self-reading is very important. I always appreciate that if you read once again the whole chapter, then it will be very helpful for you. Thanks for watching my video. Do subscribe my channel. Don't forget to press the notification bell, and I will come again with another video. Thank you. Take care. Bye-bye.